आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मेरठ कोरोना महामारी के बीच जनपद में पुलिस प्रशासन, एनजीओ और अन्य संस्थाएं गरीबों और लाचारों के लिए जहां भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक लोग भी अब आगे आकर मदद कर रहे हैं। आज मेरठ में बसपा महापौर सुनीता वर्मा की ओर से बेगम पुल पर महापौर की रसोई के नाम एक रसोई खोली है। दावा है कि यहां रोजाना 5,000 लोगों की खाने की व्यवस्था, जो लोग लॉकडाउन में फंसे दूर दूर से अपने घर जा रहे ये फंसे हुए उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। पूर्व बसपा विधायक और महापौर पति योगेश वर्मा ने कहा कि मेरठ में गरीब परिवार, कामगारों और मिलन बस्तियों में, बता दें आपको कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके पार्षद घर घर जाकर खाना पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। महापौर जी ने अपनी तरफ से किचन चालू कराई है, उसका नाम रखा है महापौर की रसोई। उसमें लगभग 5,000 लोगों का खाना पर डे बनेगा। डेली 5,000 लोगों, गरीब लोगों को, जो गरीब जिन जो भूखे हैं, जिनका डाटा सरकार के पास नहीं है, जिनका डाटा सरकार के पास नहीं है, और जो मतलब किराए पर रहते हैं, रोज कमाते रोज खाने वाले थे, वो बेचारे भुखमरी के कगार पे हैं। यानी कि ये मान लो कि वो तो मार झेल रहे हैं बहुत बुरी इस कोरोना की, तो ये उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। खाना 5,000 लोगों को रोज़ में बनवाया जाएगा और बंटवाया जाएगा, ये महापौर जी की तरफ से रहेगा और हमारे सारे साथीगण इसमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि मेरी तो ये अपील है लोग को, जो लॉकडाउन है इसमें किसी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरठ से नरेंद्र गौतम की रिपोर्ट।